वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के बारे में। ये क्या होती है पहले मैं बता देता हूँ आपको कि किसी भी डोम एलिमेंट, जैसे कि ये डोम एलिमेंट ही होते हैं सारे, इसका बिहेवियर चेंज करना है। जैसे आपने इसमें माउस एंटर करा, लीव करा या होवर करा, तो इसका कुछ कलर चेंज हो जाए या फ़ॉन्ट चेंज हो जाए या फिर कुछ और ऐड हो के आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आप एट्रीब्यूट डायरेक्टिव से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक कमांड होती है, जैसे कि ng जनरेट डायरेक्टरी करनी है, डायरेक्टरी उसके बाद डायरेक्टरी का नेम हम रख लेते हैं, डायरेक्टरी का नेम कलर डी कलर्स रख देते हैं। ये देखो आपकी दो फाइलें क्रिएट हो गई हैं और एक ऐप डॉट मॉडल फाइल अपडेट हो गई है, तो डायरेक्टरी आपकी बाहर ही बन गई है। आप चाहते हो तो एक फोल्डर बना के उसमें क्रिएट कर सकते हो इनको, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। आपकी ये वाली फाइल बनी एक, ठीक है, और एक ऐप मॉड्यूल के अंदर ये इंक्लूड हो गया है, मतलब इंपोर्ट हो गया और यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर ऐड हो गया है, ये इतना काम हुआ है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस पर अब काम करना है। अब इसको यूज़ करना है हमें, इसको यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यूज़ करने का तरीका क्या होता है इसका, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि दिस इज़ मेन पेज। ठीक है, अब इस जो ये डोम है ना, इसका बिहेवियर चेंज करना है। जैसे इस पे माउस एंटर करें या होवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्टरी यूज़ करनी पड़ेगी, तो जो डायरेक्टरी का जो नेम है वो ये वाला होता है, इसको यूज़ करना। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दो, तो ये देखो ये हो गया यूज़। अब वो डायरेक्ट यूज हो रही है या नहीं हो रही, वो कैसे पता चलेगा आपको, वो ऐसे पता चलेगा आप इसके अंदर जाके कुछ भी कंसोल करा देते हैं। ये देखो SSS आ गया, मतलब आपकी ये यूज हो गई है। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, हमें इसका कलर चेंज करना है, जो ये लिखा रहा है दिस इज मैन पेज, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका रेफरेंस उठाना होगा। तो एलिमेंट रेफरेंस उठाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें एक चीज़ इंक्लूड करनी होती है, वो होता है एलिमेंट रेफरेंस। बाद इसको कॉल कराते हैं प्राइवेट हम चेक कर लेते हैं, एलिमेंट रेफरेंस आया, ये देखो इसने बता दिया H1, मतलब हेडिंग हमने बनाई हुई है, हेडिंग का हमें उठाना है नेटिव एलिमेंट। तो जो एलिमेंट रेफरेंस है वो क्या करता है, जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाया होगा अपने डोम पे, उसका पूरा रेफरेंस दे देगा आपको कि इसमें हेडिंग क्या है, क्लास क्या है, आईडी क्या है, नेम क्या है, तो सारी चीज़ आप उठा सकते हो। तो इसने ये बता दिया इसको, ये देखो कि हमने हेडिंग ली हुई थी H1, इसको मैं H2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ टेस्ट H2 क्लास। तो देखो क्लास का नेम भी आ गया इसमें,
सब चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। तो हमें उठाना है इसका नेटिव एलिमेंट, डॉट नेटिव एलिमेंट। ये देखो नेटिव एलिमेंट आ गया इसका। क्लास क्या है, इनर एचटीएमएल उठाना, तो आप इनर एचटीएमएल भी उठा सकते हो इसकी। अभी ये कंस्ट्रक्टर के अंदर है इसलिए अभी ये कॉल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अभी हम केवल कलर के ऊपर देखते हैं, इसको आगे करके उठाएंगे इसको। अब हमें क्या करना है इसका, यहाँ पर मिल जाएगा ना, इसकी स्टाइल चेंज करनी है। स्टाइल मान के चलते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ये देखो बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका सिंपल तरीके से। अगर आप चाहते हो इसको माउस ओवर माउस एंटर ऐसे भी परफॉर्म करना है, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर होस्ट लिसनर को ऐड करना होगा। ये होस्ट लिसनर क्या करेगा, उस इवेंट पे पता कर लेगा कि ये इस पर माउस एंटर हुआ है या लीव हुआ है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इसको यूज़ करने के लिए एट द रेट ये हो गया, उसके बाद कब होना है ऑन माउस एंटर, ऑन नहीं आता इसमें, माउस एंटर आता है। उसके बाद फंक्शन का नेम बना दो आप कुछ भी, माउस एंटर। जैसे माउस एंटर होगा तो क्या होना चाहिए, आपका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए। तो ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो कलर है आपको होना चाहिए ब्लू। अब देखो मैंने माउस एंटर करा, इसका कलर हो गया ब्लू हो गया इसका, ठीक है। तो सेम आप माउस लीप पर भी कर सकते हो आप, माउस फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं कुछ भी, लीव इस पे कर देते हैं हम येलो। माउस एंटर करा लीव करा, एंटर करा लीव करा, ये देखा ये आपका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो। अब आप चाहते हो इसके अंदर ये यूज़ करें, लेकिन जो क्लास का नेम है मतलब जो कलर नेम है वो हम बाहर से पास करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि कलर मेरे को देना है ब्राउन इस केस के लिए, जैसे दो बार लिख दिया मैंने, तो इसके लिए मेरे को ब्राउन देना है जब मैं माउस एंटर करूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनपुट लेना होगा। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इनपुट के बारे में, एट द रेट इनपुट। उसके बाद जो इनपुट वैल्यू है वो कलर है हमारी, कलर इसको मैंने ऐड ही कर दिया अभी के लिए। यहाँ मैं लेता हूँ कलर डॉट कलर,
ये देखो ब्राउन हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक ही कंडीशन लगी हुई है। इसमें हम लगा देते हैं, इसमें ये देखो इस केस के लिए ब्राउन हो रहा है, इस केस के लिए ब्लू हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनपुट वैल्यू को ले सकते हो। हमने क्या करा है इसके अंदर, सिंपल कलर पास करा है। इसको पास करने का तरीका एक और होता है, आप ऐसे ही पास कर सकते हो इसको। ये देखो इसके लिए हो गया ये पिंक, इसके लिए हो गया ये ब्राउन, इसमें कुछ है नहीं तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा ब्लू। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको डायरेक्टरी यूज़ कैसे करते हैं। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हमने यूज़ करा है ngGD कलर्स। इससे फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी एक ये वाली। उसके बाद हमने क्या करा है, इसको यूज़ करने के लिए आपको करना पड़ेगा ऐप कलर्स, डायरेक्ट यहीं पर लिख दो जो इसका नेम होता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद सिंपल उसको यूज़ कर लो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके जो ऑब्जेक्ट की जो एक पूरी डिटेल होती है, रेफरेंस होता है, उसको आप उठा सकते हो एलिमेंट रेफ करके, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। और आपको नेटिव एलिमेंट चाहिए या कुछ और चाहिए, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप ये करोगे तो ये देखो पूरी डिटेल मिल जाती है इसकी। अगर डॉट इनर HTML, अगर मैं ये करूँगा तो ये देखो दिस इज़ मेन पेज, दिस इज़ मेन पेज, दिस इज़ मेन पेज, तो ये आपकी इनर HTML भी मिल जाएगी आपको। तो जो माउस एंटर माउस लीव जो है, इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है होस्ट लिसनर, जो बता देता है हमें कि अब हमारा इवेंट क्या होने वाला है। और जो ये फंक्शन का नेम है, कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हमने कलर चेंज कर दिया। इनपुट फील्ड लेनी है आपको कि इसके लिए कलर हमें ब्राउन करनी है, इसके लिए पिंक करनी है, तो वो भी ले सकते हो आप। उसको गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना होगा। उसके बाद आपका नेम और उसका टाइप स्ट्रिंग रखना है या नहीं रखना, कुछ भी रख दो। उसके बाद उसको कॉल करा लो दिस करके। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो बनाना। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो समझ आ गई आप प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो। और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।